इतना सा तो खाया है आपने, इससे क्या होगा? जीने के लिए जितना जरूरी है ना, उतना खा लिया मैंने। और जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है बिस्तर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ने का। सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए इस मुश्किल वक्त में। मैं यहाँ पे बिस्तर पे पड़ा हूँ एक ऐसे पुराने खिलौने की तरह जिसकी कोई औकात नहीं। कैसी मायूसी की बातें करते हो बेटा? आंटी ये इसी तरह की बातें करते हैं, आप ही समझाएं इन्हें। इतनी नाउम्मीदी होगी तो ये कैसे ठीक होंगे? आफरीन बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम्हें ठीक होने के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखा करो बेटा। और रही बिजनेस की बात, तो परेशान मत हो बिल्कुल, अब्रार संभाल लेगा ना सब कुछ। और फिर नेहा भी उसको ज्वाइन करने वाली है जल्दी। बेकाल ने तो उसको धमकी दी थी। हाँ वो गई है वहां बात करने के लिए, बल्कि वो रिजाइन करने के लिए गई है वहां। मेरी बात साफ समझ लें आप लोग, मुझे नीनो का बिजनेस करना पसंद नहीं। अब आज अगर उसे मना करे नहीं करेगी वो। बकार बेटा, अपने दिल से दीनू के खिलाफ ये बदगुमानी निकाल दो। वैसे नहीं जैसा हम लोग समझते थे उसे, वो तो आखिर तुम ऑफिस आ गई। वकार भाई अब पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन डिसहार्ट भी और शायद मेंटली तौर पर भी स्टेबल नहीं है। कल जब उनसे मिलने गया तो बस हाँ हूं में जवाब दे रहे थे। वो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब्ड है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ये क्या है? निकाल रिजाइन है मेरा, मेरी फैमिली को मेरी बहुत जरूरत है। अब्रार अकेला पड़ के शायद मैं इसे एक्सेप्ट ना करता, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन को सामने रखकर तुम्हें इंसिस्ट भी नहीं करूंगा। इब्रार को तुम्हारी जरूरत है, टेक केयर ऑफ हिम। पर तुम्हारी वापसी का मैं मुंतजर रहूंगा। फिजूल है मेरा इंतजार करना मिकाल, मैं वापस नहीं आऊंगी। फजूल तो वो जिंदगी है जो तुम्हारे बगैर है।